अंधाधुन हमारी फिल्म जल्द रिलीज होने वाली है. आई थिंक एक महीना या 45 दिन के अंदर रिलीज होने वाली है. रिलीज डेट आपको जल्दी सुनाई दी जाएगी, एक दो दिन में आ जाएगी वो. और आई थिंक 31 को नहीं होगी. हाँ 31 को नहीं होगी. लेट्स सी कब होगी, उसके आसपास ही होगी. तो वो फिल्म, आई एम प्लेइंग अ ब्लाइंड पियानिस्ट इन द फिल्म, और पहली बार एक म्यूजिशियन प्ले कर रहा हूँ फिल्म के अंदर. उसके लिए पियानो सीखा भी है मैंने काफ़ी. चार घंटे रोज रिहर्सल की है, क्योंकि एक नया इंस्ट्रूमेंट था मेरे लिए. मैं गिटार बजाता हूँ, पियानो पहली बार बजा रहा था. बच्चों ने पेटी बजाया करता था, लेकिन उस पर हाथ दोनों यूज़ होते हैं पियानो के अंदर, कॉर्ड्स भी और मेलोडी भी. सो आई गेस या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि श्रीराम रागुन की फिल्म है, थ्रिलर है, पहली बार एक थ्रिलर कर रहा हूँ, एक नया जॉनर है मेरे लिए. सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट पहली बार ऐसा हुआ जब मैं खुद डायरेक्टर को अप्रोच किया मैंने कि आप मेरा स्क्रीन टेस्ट लीजिए इस फिल्म के लिए, क्योंकि एक आपकी छवि होती है जो बॉय नेक्स्ट डोर की है या फिर एक स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्मों की है, विच आई रियली वॉन्टेड टू ब्रेक. और मुझे लगता है कि आप हर फिल्म के साथ अपनी छवि ब्रेक नहीं कर सकते, आपको 3-4 साल बाद इस्टेब्लिश करने के बाद वो अपनी इमेज ब्रेक करनी चाहिए, एंड यू शुड ट्राई समथिंग डिफरेंट आफ्टर एवरी 3-4. अंधाधुन इज बोथ. आई थिंक रिस्क तो नहीं है, चैलेंज है, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी किया नहीं है. बहुत ही मंजे हुए डायरेक्टर है, तो रिस्क नहीं हो सकता, क्योंकि ही नोज दिस जॉनर रियली वेल. तो थ्रिलर उनको पता है कैसी बनाई जाती है, इज द मास्टर ऑफ थ्रिलर श्रीराम राघवन. तो आई थिंक इट्स एन ऑनर टू वर्क विद हिम. आई कांट बी कॉलिंग इट एज अ रिस्क, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट करियर मूव. या ड्रीम कैरेक्टर, हम एक्टर सोचते हैं कि हम कुछ सोच के आएंगे. मैं जैसे बचपन में सोचता था कि कभी हाँ कभी ना मैं जो शाहरुख ने कैरेक्टर प्ले किया था वो मैं प्ले करूंगा एक दिन, लेकिन मुझे नहीं पता था पहला फिल्म में मैं स्पर्म डोनर बन जाऊंगा. तो आई थिंक हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं वो इतने क्रिएटिव हैं कि मतलब स्पर्म डोनर से लेकर इरेक्टाइल डिसफंक्शन तक, शुभ मंगल सावधान, वो कभी मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा मैं प्ले करूंगा. तो आई थिंक वो जो मैं काम स्क्रिप्ट राइटर्स पर थोप देना चाहता हूँ. बट आई गेस या हम अपने अपने धारणाएं होती हैं हमारी. मैं एक सिंगर प्ले करना चाहता हूँ फिल्म के अंदर. जब मैंने रणबीर को रॉक स्टार में देखा था तो मैंने उनका काश में प्ले करता. दैट्स व्हाई आई एम किशोर कुमार की बायोपिक में प्ले करना चाहूँगा. आई रियली लव संजू. मुझे संजू बहुत अच्छी लगी फिल्म, और आई थिंक रणबीर इज द बेस्ट वी हैव राइट नाउ. बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. आई थिंक मोर देन अ कंटेम्प्रेरी आई एम इज फैन, एंड आई रियली लव द फिल्म. हाँ, बधाई हो हमारी दशहरा पर रिलीज़ हो रही है. 19 अक्टूबर में रिलीज़ होगी. सानिया मल्होत्रा के साथ फिल्म है. वो उसी जॉनर की है जिस जॉनर में मतलब मैं बाकी फिल्में कर चुका हूँ. इट्स अ कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्म. अभी क्या उसका वन लाइनर है हम रिवील करेंगे जल्द. इट्स नॉट जस्ट अनदर रोम कॉम, इट हैज़ अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट, जैसे मैं फिल्में करता आया हूँ. तो आई थिंक आपको जल्द पता चलेगा. या मुझे बहुत अच्छा लगा श्री का ट्रेलर. इनफैक्ट मैं पहले 2 महीने पहले देख चुका था ट्रेलर. या क्योंकि ऑफकोर्स अपार उसके अंदर है, राजकुमार उसके अंदर है, तो मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, दोस्त है मेरा. एंड डीनू इज़ अ गुड फ्रेंड, जो प्रोड्यूसर है. तो आई रियली लव द ट्रेलर. इनफैक्ट ये जॉनर काफ़ी यूनिक है, हॉरर कॉमेडी का. सो आई थिंक इट्स गुड टू एक्सप्लोर दैट जॉनर. आई थिंक ऑफकोर्स उस दिन 4 फिल्में आ रही है, तो कोई पॉइंट नहीं है चारों को एक साथ आने की. अगर आगे डेट्स और हैं तो आई थिंक वी शुड ऑफकोर्स शिफ्ट. Final 2 questions, please. Yeah. जी थैंक यू सो मच. थैंक यू. आज मैं ये बोला था रेड एंड वाइट पहनने वालों की बात ही कुछ और है यार. पहनने तक ही ठीक है. हाँ, क्योंकि मैं नॉन स्पोकर हूँ, टी टोटलर हूँ. तो लेकिन हाँ, स्टाइल ऐसा है जो आई थिंक जो आपको नेचुरली आपके अंदर से आए. यू शुड नॉट ट्राई टू हार्ड. जो आपको आप कैरी नहीं कर पाते हो, कोशिश नहीं करनी चाहिए. आपकी पर्सनालिटी को आगे वो सिंबलाइज करता है जो आपका स्टाइल होता है. तो आई थिंक आई एम क्वाइट आई डोंट नो क्वाइट चिल्ड आउट. तो आई थिंक मेरा स्टाइल वही है. आई कैन कैरी सिंपल स्टफ ऑल्सो एट द सेम टाइम. आई थिंक डिपेंड्स ऑन योर मूड. योर स्टाइल इज योर मूड स्विंग. जो आपका मूड स्विंग होता है वो आप पहनते हैं. या सुमित कैसे हैं आप? चुप आज चुप कैसे हैं तुम? अरे सुमित भैया नहीं, बस प्रणाम. Very good evening. आयुष्मान, you see, we just talk about, क्योंकि मुझे बताया सब कुछ पूछ चुके हैं. हाँ. तो you see transformation भूमि, like the way she started and now. Of course, I think physical, emotional, हर तरह की transformation आई है उनके अंदर. एक्टिंग को लेकर भी आई है. शी इज बिकम अ बेटर एक्टर ऑफ कोर्स. एवरी फिल्म से आप ग्रो करते हैं. एंड आई वुड लव टू वर्क विद हर अगेन. देख रहे हैं आजकल पिक्चर्स वगैरह उनके कैसे आ रही हैं? हां देख रहा हूं. यू थिंक दिस हैज बीन अ कॉन्शियस डिसीजन फ्रॉम हर साइड?
I think everybody wants to break a certain image. Kishore da bhi bulane lag gaye wahan se studio se. Haan, chale ye kar lete hain. Haan, I think everybody wants to kar lete hain. Wo ho gaya Kishore, kuch nahi, koi baat nahi. I think yeah, everybody has that urge to break that image. और भूमि काफ़ी रस्टिक रियल रोल करती हैं और जो बिल्कुल ही विपरीत उनकी इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स नज़र आती हैं. सो आई थिंक इट्स गुड टू शो दैट साइड ऑफ योर्स आल्सो एट द सेम टाइम. अपनी वर्सेटैलिटी आप सिर्फ फिजिकलिटी के थ्रू नहीं, एक्टिंग के थ्रू भी दिखाते हैं. तो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट शी इज़ हैविंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन. थैंक यू. या काफ़ी अच्छी बात है और उसकी भी फिल्म आ रही है, इसलिए हम उस सेम रिलीज डेट पे रिलीज़ नहीं करेंगे. देखते हैं कब आएगी. तो नहीं होना चाहिए, बट या बेस्ट ऑफ लक टू हिम, ही हैज हिज ओन जर्नी. या एंड राज इज आल्सो वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ यू एंड योर ब्रदर. या हाँ, हम तीनों भाई हैं, बहुत खुश हैं आपस में. तो अच्छा लगता है काम करके. होनी चाहिए हम तीनों के साथ. क्या, अरे नहीं ठीक है, कर लेंगे यार वो. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you guys.